आज हम आपको दिखाएंगे ग्राम सरखू में जो तालाब है वो, और यहाँ का महामाया मंदिर वो। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो दोस्तों, आपको दिखाते हैं जो सरखू का तालाब है वो, और यहाँ का महामाया मंदिर और शनि मंदिर वो भी। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये लोग तालाब में नहा रहे हैं, बहुत आनंद लगता है नहाने में। ये तालाब है, तालाब में एक कमल का फूल भी लगा हुआ है। ये बहुत पुराना शिव टेम्पल है यहाँ पे, देखिए इस मंदिर को, काफ़ी पुराना शिव टेम्पल है। ये बर का पेड़ है, देखिए बर का पेड़, और एक पीपल का वृक्ष है, और यहीं पे एक शिव टेम्पल है, बहुत पुराना शिव टेम्पल है, काफ़ी पुराना है। दोस्तों तो आज हम आपको दिखाएंगे जो गांव में तालाब होते हैं वो शहर का स्विमिंग पूल है। आप स्विमिंग पूल में पैसा देकर नहाते हैं और तालाब में फ्री में नहाते हैं, बस इतना है, कुछ नहीं है। आप शहर में रहते हैं, शहर से 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर एक गांव होता है, वहां गांव में तालाब में आप बच्चे को ले जाइए, नहाइए और इन्जॉय कीजिए, और फिर रिटर्न आप घर आ सकते हैं। और वहाँ पे तालाब पार में मंदिर भी रहते हैं, हमारे यहाँ माया जी के मंदिर है, शिव जी का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ भी बच्चे लोग को दर्शन कराइए और अपने धर्म के बारे में बताइए और जागरूक कीजिए कि ये भगवान क्या है और शिव जी क्या होता है और हमारा जो माया जी क्या होता है, नवरात्रि क्या होता है, उसके बारे में हम बताएँगे हम आने वाली पीढ़ी को, तो और अच्छे से ध्यान देंगे। तो दोस्तों आपको लेके चलते हैं एक ऐसा गाँव जो धार्मिक गाँव है और बहुत सुंदर गाँव है, और ये शहर से लगा हुआ है। एक गांव है सरखों, ग्राम सरखों नैला स्टेशन से ओनली 4 किलोमीटर दूरी में बसा हुआ है, और वहाँ एक पक्की सड़क जाती है। आपको ऑटो की जरूरत, ऑटो मिल जाएंगे, कार मिल जाएंगे, आप किसी भी साधन से आप यहाँ पहुँच सकते हैं और अपना फैमिली के साथ तालाब में नहा सकते हैं, महामाया जी के दर्शन कर सकते हैं, पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, शनिदेव के दर्शन कर सकते हैं, शिवलिंग जो 100 साल पुराना है वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो आप संडे को निकलिए और हमारे यहाँ जो ग्राम सरखों में आइए और अपने फैमिली के साथ आइए और इन्जॉय कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये महामाया मंदिर है ना, और आज काफ़ी भीड़ रहता है नवरात्रि में। ये शनिदेव का है, ये देखिए यही महामाया टेम्पल, और ये वृक्ष है पीपल का, और नीचे में बना हुआ है महामाया टेम्पल, उसके जस्ट बाजू में है हमारा शिव टेम्पल है, ये शिव जी का टेम्पल है। ये हनुमान जी का टेम्पल है, जस्ट बर पीपड़ के ही नीचे में बना हुआ है हनुमान जी का पंचमुखी टेम्पल। ये परिसर है सरखू गांव में, जो महामाया टेम्पल है उसका परिसर है ये पूरा यहाँ पे। और ये जो शिव टेम्पल है बहुत पुराना शिव टेम्पल है, ये करीबन 100 साल पहले का है बना हुआ। ये भी एक शिव टेम्पल है, यहाँ बना हुआ है, बहुत अच्छा है। और गांव में जो होते हैं तालाब के पार में शिव टेम्पल, हनुमान जी के टेम्पल, और उनका रख रखाव बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटा सा गांव है, मांगे चलिए सरखू, जो जांजगीर से लगा हुआ है, यहां पे जो शिव टेम्पल है, तालाब है, इसका रख रखाव बहुत अच्छे से करते हैं यहाँ के वासी लोग, और बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, और हमें गर्व होना चाहिए ऐसी हमारे जो आस्था है और उनके प्रति लगाव रहना चाहिए। तो मैं सभी ग्रामवासी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे जो पूर्वज छोड़ के गए हैं, और जो तालाब है और ये मंदिर है उनको देख रेख के लिए बहुत अच्छे से करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रामवासी को। ये जो इसको बोलते हैं कमल का फूल जो लगता है, पुराइन बोलते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में, बोलते हैं पुराइन, पुराइन पत्ता। हमन जब छोटे छोटे रहन तो नहायान तो बोला ना पुराइन पत्ता, और इसी के अंदर में जो कांदा होता है उसको बोलते हैं ढेस कांदा, जो ज़मीन में इसके अंदर जो होता है जड़, जड़ को बोलते हैं ढेस कांदा, जो मार्केट में मिलते हैं आप खाए होंगे, सफ़ेद सफ़ेद रहता है मार्केट में, अधिकतर मिलता है वो 50 रुपये के जी मिल जाता है, उसको बोलते हैं ढेस कांदा। और इसी के जो फूल दिख रहे हैं आपको, जो एक
कमल का फूल है और लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है कमल का फूल। मार्केट में इसका रेट मिलता है, एक फूल की कीमत 10 रुपया है। तो दोस्तों आप देखिए, यहाँ आके आप फूल तोड़ सकते हैं, लजा सकते हैं और भगवान में चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा है। और नहाने के लिए बहुत अच्छा है, लोग बाहर स्विमिंग पूल जाते हैं। और हमारे गांव वाले लोग, हम लोग स्विमिंग गांव में जो तालाब रहता है वही स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल आप ना जाके आप शहर से निकल के गांव में आइए एक आध संडे वनडे को और इन्जॉय कीजिए पूरा फैमिली के साथ। ये है शिव मंदिर है, और शिव मंदिर कितना हरियाली है, कितना अच्छा लग रहा है। और पानी जो घाट बना है एकदम साफ है, आप देखिए कितना स्वच्छ है यहाँ पे। ये है बर पीपर, हम बहुत लोग जो होते हैं लेडीज लोग बर पीपर ढूंढते हैं और नहीं मिल पाता, तो आप यहाँ गाड़ी लेके आ जाइए, बर पीपर देखिए यहाँ पे, और तालाब में दर्शन कीजिए और जो बर पीपर की पूजा कीजिए। ये मंदिर के पुजारी है ममाई मंदिर की, और यहीं पर रहते हैं और मंदिर का देख रेख करते हैं। शनि मंदिर है और हमारा हनुमान जी की मंदिर है, ममाई जी की मंदिर है, तो आपसे मिलवाते हैं और बात करते हैं। आप यहाँ कब से हैं सर? हम 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं। तो ममाई मंदिर और जो मंदिर परिसर है, आप रात में भी रहते हैं दिन में भी रहते हैं? नहीं, चले जाते हैं। और हमेशा खुला रहता है ना ये? हमेशा खुला रहता है। तो यहाँ पे भक्त लोग आते हैं? आता है ना। बहुत बहुत दूर से आते हैं यहाँ से, करीबन 50-50 कोस से बिलासपुर से भी आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, आते हैं ना? कम आते हैं, अभी भीड़ रहता है, शनिवार ज्यादा भीड़ रहता है। औलाद का मन्नत था, औलाद भी देता है। हाँ, जिसको शरीर में प्रॉब्लम रहता है उसको भी देता है, और जिसको शरीर में खुजली उजली रहता है, जो नदी में जो तालाब में नहाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं तो 99% ठीक हो जाता है, ऐसा मानना है यहाँ पे। देखिए और बहुत बहुत दूर से आते हैं यहाँ पे, बहुत भीड़ रहते हैं, और तालाब में नहा के माँ माया देवी की और शनि देवी की पूजा करते हैं।